हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। दोनों ही हमारी जॉब्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है और स्टेट जॉब्स के बारे में। ठीक है, देखिए अभी तक कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें इन दोनों जॉब के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता है, तो यही क्लैरिटी लाने के लिए जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एक ही स्टेट के अंदर दोनों ही के ऑफिस होते हैं, है ना। जैसे कि आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आप देखेंगे इनकम टैक्स का भी ऑफिस होगा, ठीक है, और सेल टैक्स का भी ऑफिस होगा, सेल टैक्स का भी ऑफिस होगा। मगर ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो बेसिक इसमें डिफरेंस क्या होता है और क्या क्या अलाउंसेज ऐसे होते हैं जो सेंटर में मिलते हैं स्टेट में नहीं मिलते, कुछ स्टेट में मिलते हैं सेंटर में नहीं, तो इसका हम आज एक तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी होती है, ऑल इंडिया ट्रांसफर। इसके अंदर देखिए आपको मतलब आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी स्टेट के अंदर हो सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब होती है वो आपकी विद इन स्टेट होती है, विद इन स्टेट। तो ऐसे अभ्यर्थी हमारे जो भी हैं जो कि अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहते हैं या फिर उसी स्टेट के अंदर जॉब करना चाहते हैं या दूसरे स्टेट में जाकर जॉब नहीं करना चाहते, तो वो लोग इस जॉब को प्रीफर करें। क्योंकि हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो है आपको हो सकता है शुरुआती स्टेज में आपको आप ही के स्टेट में मिल जाए, मगर बाद में उसमें आपके जब प्रमोशन होंगे तब आपका ट्रांसफर दूसरे स्टेट के अंदर भी किया जा सकता है। होता क्या है, देखिए बैंक की जॉब्स में भी जब तक आप क्लेरिकल कैडर में रहते हैं, यानी कि आप जब तक क्लर्क रहते हैं तब तक आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी स्टेट के अंदर की जाती है, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी आती है क्लेरिकल में। मगर जैसे ही आप उसमें पीओ बन जाते हैं, क्लास वन अफसर बन जाते हैं, तो उसके बाद जो है आपकी ऑल इंडिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। तो कई लोग इसीलिए इसमें ट्रांसफ़र भी नहीं लेते हैं बैंक में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रांसफ़र भी नहीं लेते और प्रमोशन, देखिए ट्रांसफ़र तो अपने हाथ में नहीं है, प्रमोशन है, प्रमोशन आप लें या ना लें, तो अगर आप प्रमोशन डिनाई कर देंगे तो आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। तो अगर आप स्टेट में रहना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को प्रीफर करें, और अगर आप पूरे भारत का भ्रमण करना चाहते हैं अपनी जॉब के दौरान तो आप ऑल इंडिया ट्रांसफ़र का भी कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आईएएस आईपीएस की जो जॉब होती है, आईएएस और आईपीएस, इस जॉब के अंदर क्या होता है, इसमें कैडर अलॉट होता है कि आपको या तो आपके स्टेट का कैडर दे दिया जाता है, मतलब ये आपकी रैंक पर निर्भर करता है कि आपकी रैंक कैसी है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको आपको होम स्टेट मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिल पाता है। तो इसमें जॉब रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल मतलब आपकी दिल्ली के अंदर और उस कैडर के अंदर, तो इसके बीच में आप स्विच करते रहते हैं। मगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपकी ग्रुप डी ग्रुप सी ग्रुप बी पोस्टों की, है ना। देखिए क्लास वन में जब जैसे आप पीसीएस अधिकारी बनते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और पीसीएस के बाद अगर आपका प्रमोशन आईएएस में हो जाता है, जैसे कि एक पीसीएस अधिकारी का 15 साल बाद एक आईएएस भी बन जाता है, तो ऐसे में उसकी फिर सेंट्रल और स्टेट के बीच में फिर रोटेशन होने लगेगा, मगर उसको सेम स्टेट मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, कुछ अलाउंसेज यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर आपको मोर अलाउंसेज मिलते हैं, मोर अलाउंसेज मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए आप मान लीजिए किसी भी ग्रेड पे में लगें, आप मान लीजिए 2800 ग्रेड पे में लगते हैं, एग्जांपल देके बता रहा हूँ, तो 29200 इसकी बेसिक है, ठीक है। तो दोनों ही जगह आपकी 29000 बेसिक रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। मगर इसके बाद जो अलाउंसेज होते हैं उस पर, उसकी वजह से काफ़ी डिफरेंस आ जाता है सैलरी के अंदर। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि जो 2800 की सैलरी, यानी कि 2800 का मैंने बताया, और जो स्टेट के अंदर 4200 में कोई जॉब कर रहा होता है, तो इसकी तनख्वाह और इसकी तनख्वाह जो है बराबर हो जाती है, यानी कि यहाँ का 2800 यहाँ के 4200 के बराबर हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर क्योंकि अलाउंसेस ज़्यादा हैं थोड़े से, और यहाँ पर अलाउंसेस कम हैं, और यहाँ पर पोस्टिंग भी डिपेंड करती है, यानी कि अगर आपकी दिल्ली जैसी सिटी के अंदर है और यहाँ पर 4200 की आपकी किसी रूरल एरिया में है, ठीक है, तो इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अलाउंसेस कौन से ज़्यादा मिलते हैं, देखिए यहाँ पर अलाउंसेस आपको जो ज़्यादा मिलने वाले हैं, एक होता है TPT जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, इसकी इस समय है 3600 रुपये प्लस इसका DA, जो भी महंगाई भत्ता चल रहा होता है।
तो आपको ये यहाँ पर नहीं मिलता है स्टेट गवर्नमेंट में। मैंने देखा है कि ये टीपीटी के अंदर टीपीटी जो है वो नहीं मिलता है। एचआरए भी यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल होता है। एचआरए आप कहेंगे बहुत ही नॉमिनल, ठीक है, उतने में आपको हो सकता है आपको वो नहीं मिले आपको, मगर यहाँ पर जो एचआरए है वो आपको 24% जो इस समय डिसाइडेड है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और क्योंकि स्टेट के अंदर जो सिटी है वो बहुत कम ऐसी होती हैं जो एक्स, क्योंकि देखिए इसमें सिटी का कैटेगराइजेशन है एक्स एक्स वाई और जेड, तो बहुत कम सिटी स्टेट के अंदर होती हैं जो एक्स के अंदर आती हैं। ज़्यादातर जेड वाली आपको ज़्यादा मिलेंगी, वाई वाली भी कम मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक्स वाली वाई वाली जो है आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी, जिसके अंदर 16% आपको एचआरए मिलने वाला है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, उसके बाद एक है चिल्ड्रन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। इसके अंदर क्या है, आपको 2250 रुपये इस समय का है आपको अलाउंसेस मिलता है पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि दो बच्चों तक आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपके दो बच्चे हैं तो आप यहाँ पर 4500 रुपये जो है वो आपका मंथली अलग से मिलेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, तो इससे भी सैलरी में काफ़ी जो है डिफरेंस पैदा हो जाता है। उसके अलावा एलटीसी आप देखते होंगे, एलटीसी जो है लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, ये भी आपको कई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें कि आपको ऑल इंडिया टूर दिया जाता है, आप घूम के आइए, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। तो इस तरीके की ये फैसिलिटी है जिससे कि आपकी सैलरी में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। और देखिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में कुछ जॉब ऐसी हैं जिसमें कि आपको मोर पावर मिलेगी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा, क्योंकि ये इसके जो है सबॉर्डिनेट ऑफिस होते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी स्टेट होता है हर मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा होता है, और मिनिस्ट्री जो है, क्योंकि देखिए स्टेट की मिनिस्ट्री उसकी राजधानी के अंदर होती है जहाँ भी उसकी लोकसभा बैठती है, और वो भी एक तरीके से सेंट्रल के आदेश का ही पालन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबॉर्डिनेट ऑफिस के अंदर आपको हो सकता है कोई, यहाँ पर ऐसा हो सकता है 54 ग्रेड पे भी होकर उसे यहाँ पर कार की सुविधा ना मिल रही हो, और स्टेट गवर्नमेंट में आपको 46 पे भी आपको कार प्रोवाइड कर रखी हो आपको लाने ले जाने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है, ठीक है। कई बार ग्रेड पे के अनुसार ये नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी भी होगा, कोई अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी, वो अपनी कार से आ रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से मिली हुई उसे लाने ले जाने के लिए। ये पोस्ट पर डिपेंड करता है, और यही सारी बेसिक डिफरेंस थे स्टेट गवर्नमेंट जॉब और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी रह गई है जो आप चीज़ जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो मुझसे छूट रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको जो भी हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको समय पर मिलती रहें, और बेल आइकॉन को भी दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आने वाले समय में हम इसमें लाइव वीडियो भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपको एट ए टाइम रियल टाइम में जो है आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।